दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी में जॉब्स की, यानी हंगेरी में जो नौकरियां उपलब्ध हैं। ये जो नौकरियां हैं ये एग्रीकल्चर में हैं, पशुपालन में हैं, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हैं और ट्रक ड्राइवर्स के लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, सैलरीज कितनी होंगी, आपको TRC कितने टाइम में मिलेगा, आपकी फैमिली आपको कब ज्वाइन कर सकती है और आप कितने सालों के बाद PR के लिए एलिजिबल होंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। मैं खुद हंगेरी में काफ़ी साल रह चुका हूँ और यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और यहाँ पर हम बहुत सारे लॉयर्स के साथ भी काम करते हैं। तो अभी जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर में, पहले मैं बात कर लेता हूँ। एग्रीकल्चर में भी हैं, पशुपालन में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं और फैक्ट्री वर्कर्स में, तो ये एक कैटेगरी है। अब इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वर्क परमिट का, यानी आप अप्लाई करेंगे उसके बाद वहाँ से ऑफ़र आएगा, उसके बाद अप्रूवल होगा लेबर डिपार्टमेंट का और फिर आप इंडिया में वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तो पूरे प्रोसेस में तकरीबन 6 महीने का समय लगेगा। अब ये जो सैलरीज हैं ये रेंज करेंगी 180,000 फॉरेन से लेके तकरीबन 2,20,000 फॉरेन तक, यानी अगर मैं इंडियन में कन्वर्ट कर दूँ तो 45 से लेके 55,000 रुपये की रेंज में। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होगा और ECR पासपोर्ट भी चलेगा, नॉन ECR भी चलेगा। इनफैक्ट अगर आप जो जनरली रिक्वायरमेंट है आपकी एज 20 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके पे कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि आपको PCC की भी ज़रूरत पड़ेगी जब हम सेकेंड फेज में जाएंगे एप्लीकेशन। अब अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपकी 2 फोटोग्राफ्स चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड में हैं, इसके अलावा जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चाहिए, अगर ITI से कोई डिप्लोमा है वो चाहिए, अगर आपके पास कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप भेज सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको TRC 1 महीने में मिल जाएगी, उस TRC पे आप शेंगेन जोन में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन आप काम नहीं कर सकते हैं, काम आप हंगेरी में ही करेंगे। और एक बार आपको 6 महीने हो जाते हैं और आप एलिजिबल हैं तो आपकी फैमिली आके आपको ज्वाइन कर सकती है। हंगेरी में स्कूल्स फ्री हैं, हंगेरियन स्कूल्स, पब्लिक जो एजुकेशन है पब्लिक स्कूल्स में वो फ्री है। इसके अलावा आपको जब 3 साल हो जाते हैं और आप रेगुलर टैक्सेस पे कर रहे हैं तो हंगेरियन गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आप 3 साल में नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के बाद। अब इस पे हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स की, जो दूसरी रिक्वायरमेंट है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ये है कि जो उनका लाइसेंस है वो गल्फ की कंट्री से होना चाहिए, GCC कंट्री से होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल UAE हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उनके पास। और इसमें भी 6 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है और बेसिकली इसमें क्या होगा कि आप आएंगे आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पे वेजेज अच्छी हैं, आप महीने का 4 लाख फॉरेन से लेके 5.5 लाख फॉरेन तक कमा सकते हैं, यानी लाख रुपये से लेके 1.40 तक आप तकरीबन कमा सकते हैं। और TRC आपको 1 महीने के बाद मिल जाएगा और आप अपनी TRC पे ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी शेंगेन जोन कंट्री में, आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए भी एलिजिबल हैं, आपकी फैमिली आपको ज्वाइन कर सकती है और 3 साल के बाद आप रेजिडेंस PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है और मैं एक बार फिर दोबारा से रिक्वायरमेंट जनरल बता देता हूँ। देखिए, आपके पास कम से कम आप 8वीं पास होने चाहिए और आपका पासपोर्ट ECR हो नॉन ECR हो वो चलेगा, प्रोसेसिंग टाइम 6 महीने है और शुरू में हम एक अमाउंट लेंगे प्रोसेसिंग के लिए और उसके बाद जो ज़्यादातर अमाउंट है इट हैज़ टू बी गिवन आफ्टर द वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। तो अगर आपके कोई और सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजें वो आप स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, वो है chandrashekhar@gmail.com, या तो आप इस पर भेज सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको मेरा, +91 9602 95900 +91 9602 95900। मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
और डॉक्यूमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, तो ये डॉक्यूमेंट आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपके कोई और सवाल है वो भी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।